चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वर्ल्ड अफेयर्स नंबर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एम्स कुडे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होता है। उसे यूटिलाइज करिए। 6 AM पर ये वीडियो आ जाती है, 10 मिनट का वीडियो रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत देखिए, हमारे भारत में प्रेसिडेंट नए बनाए जाने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। तो अभी बीजेपी ने पिक किए हैं द्रौपदी मुर्मू को एज ए NDA कैंडिडेट, और ये कहाँ की फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, झारखंड है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि फॉर्मर झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जो कि है बीजेपी लेड NDA कैंडिडेट हैं, वो प्रेजिडेंट पोल के लिए जो है खड़ी हुई हैं। अभी ब्रीफ जो है हाल फिलहाल में चीफ जो है NDA पार्टी जो पार्टी से JP नड्डा जी के द्वारा जो है दिया गया। इससे पहले 20 जो कैंडिडेट हैं उनके नाम डिस्कस किए गए थे एज अ नॉमिनी। उसके बाद सिलेक्ट किया गया कि इंडिया में जो है ईस्ट इंडिया की तरफ से ट्राइबल वुमेन जो है ट्राइबल एरिया से जो है इन्हें सिलेक्ट किया जाए, और अभी इनको एज अ प्रेजिडेंट इलेक्शन के लिए जो है ठीक है रिप्रेजेंट किया जाएगा। वोटिंग जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन की वो 18 से होने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रधानमंत्री जी हाल फिलहाल में अटेंड करने वाले हैं 14 ब्रिक्स समिट, ये चाइना में होगा और वर्चुअली अटेंड किया जाएगा, और 23 और 24 जून की तारीख में होने वाला है। वही आपसे सवाल में भी पूछा गया है, बस आप इतना ध्यान रखिए 14 ब्रिक्स समिट है, 23 और 24 के बीच में होगा, और इसका एक थीम रखा गया है जो थीम है फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप। इसमें डिस्कशन होगा बहुत सारी चीज़ों पे, ब्रिक्स से संबंधित एग्जांपल मल्टीलेटरल सिस्टम जो है उससे संबंधित जो है चीज़ों को रखा जाएगा, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वोकेशनल एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर जो MSMEs इन सब चीज़ों पर जो है डिस्कशन किया जाने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो है कोविड के समय में ये नहीं हो पाया था, तो अभी इसे किया जा रहा वर्चुअल लेवल पे अच्छे तरीके से किया जाएगा अभी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक बायलेटरल टॉक जो है ऑस्ट्रेलियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ किए हैं दिल्ली में। तो आंसर है इस क्वेश्चन का राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर हमारे भारत के, इन्होंने बायलेटरल टॉक किया। ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट है रिचर्ड माल्स, और ये वहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की सरकार आपको पता ही है नई बनी है, तो अभी कॉरपोरेशन करना ज़रूरी है नई सरकार के साथ, नए लोगों के साथ। तो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेयर करने के लिए इनका विजिट रहा, और उसके अलावा ये योगा दिवस वाले दिन भी प्रेजेंट थे भारत में दिल्ली में, तो वहाँ पे भी इन्होंने योगा से संबंधित कुछ चीज़ें करी हैं। आप सभी जानते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भाग है, फोर नेशन प्लेटफॉर्म क्वाड का भाग है, तो हमारे बीच में जो कॉम्बिनेशन है इंडियन ओशियन रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है ज़रूरी है। इनके द्वारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भी विजिट किया गया, INS हंसा में भी विजिट किया गया जो कि गोवा में ही नियर बाय जो है लोकेट, वहाँ पे भी इनका विजिट रहा था। ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है अब ये सक्सेसफुल हो चुकी है, अब ये हम कह सकते हैं पूरी कंट्री में आ चुकी है, क्योंकि लास्ट इम्प्लीमेंटेशन अभी हाल फिलहाल में हुआ, और वो कहाँ पे हुआ, असम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्कीम का एम क्या है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं फैमिली मेम्बर्स हैं उनको जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाए, फेयर प्राइस पे जो फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए जो है मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन भी रोल आउट किया गया, और असम 36 स्टेट बना है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का, जिसके तहत जो है अब पूरे देश में जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, 80 करोड़ के आसपास बेनिफिशियरी हैं इसके अगर देखा जाए तो, जिसमें अबाउट 71 पोर्टल ट्रांजैक्शन जो है इसमें हो चुके हैं फूड ग्रेन को लेके। एक और क्वेश्चन देखिएगा, तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी 4 दिन के अब विजिट पे गए, कौन सी कंट्री पे, जहाँ पे 26 CHOM GM जो है मीटिंग जो कॉमनवेल्थ मीटिंग है वो होने वाली है, तो रवांडा गए हैं। तो यहाँ पे 26 कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें इनका विजिट है 4 दिन का विजिट है रवांडा किगाली एग्रीमेंट भी आपने सुना होगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है कॉमनवेल्थ मेंबर्स में, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल स्टेट्स हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था, उन सभी से हमारे जो बॉन्डिंग है वो अच्छे होने चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। इससे पहले 2 साल जो है COVID-19 की वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई CHOGM की मीटिंग, लेकिन अब हो रही है। थीम का जो इसका ये जो है ये कॉमनवेल्थ 26वां इसका एक थीम भी रखा गया समिट का, वो है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली
किन्हें अपॉइंट किया गया नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का यूएन के लिए, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अचीवमेंट है रुचिरा कंबोज जी की। इससे पहले अभी जो है टी एस त्रिमूर्ति इनको सक्सीड कर रहे हैं, इनका एक बहुत अच्छा करियर रहा है। इन्होंने फॉरेन सर्विसेज को 1987 में ज्वाइन किया था। ये उस समय 1987 की ऑल इंडिया वुमेन टॉपर रह चुकी हैं, उस समय ऑल इंडिया फॉरेन सर्विसेज बैच की भी यही टॉपर रह चुकी हैं। इन्होंने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को पेरिस में भी वर्क किया है, इंडियन हाई कमिश्नर साउथ अफ्रीका, चीफ ऑफ पोर्टल दिल्ली के रह चुके हैं। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जो है ये जो है करंटली इंडियन एम्बेसडर हैं भूटान के। अब इनको जो है नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन के लिए बनाया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो है इनकी लाइफ में, और हमारी तरफ से क्योंकि यूनाइटेड नेशन में कोई भी मुद्दा होगा तो इन्हीं का नाम जो है सबसे पहले फोरफ्रंट में रहने वाला है। इनके डिप्लोमेटिक करियर के बारे में आपको बता चुका हूँ। देखिए हाल फिलहाल में इंडियन वुमेन्स रेसलिंग टीम ने अंडर 17 एशियन चैम्पियनशिप में टोटल 8 गोल्ड जीते हैं, और ये कहाँ पे हुआ है तो ये किर्गिस्तान में। इसके अलावा गोल्ड के अलावा सिल्वर एंड ओल भी जीते हैं, मैं आपको सारे ही बता देता हूँ, ठीक है। तो इनका जो अचीवमेंट रहा है इंडिया की अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जो टीम है, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, तो गोल्ड जीते हैं मैक्सिमम, तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसमें जो है ना 3 वेट कैटेगरी में ये मैच हुआ था, जिसमें से 80 और 71 में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से किया गया। खिलाड़ियों के नाम आपके सामने हैं, हालांकि सभी खिलाड़ियों के नाम नहीं याद किए जा सकते क्योंकि जब इतना स्कोर आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने अशोर किया है कि ये अब यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे? तो ये चलता रहेगा, हंगरी से यूक्रेन खुद ही नाराज़ रहा है कि हंगरी ने अच्छे से सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया, ये मुद्दा रहा था, ठीक है। बहुत सारे देशों के साथ यूक्रेन नाराज़ रहा है कि सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया, हालांकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया है, इतना सपोर्ट मिलता नहीं है एक्सटर्नल कंट्री से। अब दोबारा इनका कॉन्टैक्ट हुआ है, इस बार जो है ये इनके द्वारा क्लेम किया है कि ये अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, बस इतना ही है। एग्जाम्पल सपोर्ट में अगर देखा जाए तो इतने सारे यूक्रेन रेफ्यूजी हैं वो नियर बाय हंगरी पड़ता है वहीं पर जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे तरीके से सपोर्ट मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने परमिट किया है कि ये यहाँ के नागरिक किस देश में ट्रैवल कर सकते हैं, इंडिया, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने बहुत समय बाद जो है ये ट्रैवल बैन जो है लिफ्ट किया है, ठीक है, 4 देशों के लिए, इंडिया, टर्की, यूथोपिया और वियतनाम, ये 4 देश हैं इसके लिए ये जो है बैन इसे लिफ्ट किया है। उसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी जैसे PCR टेस्ट हो गया, क्वारंटाइन रूल्स जो हैं इन सबको जो है इन सब रूल्स को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है सऊदी अरेबिया का। किक पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी वाज ऑर्गेनाइज इन दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया इसे। हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है लॉन्च करें कंट्री में, कब से, 2022 से इसी साल से। हाल फिलहाल में स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स आया ओखला के द्वारा, आप सभी जानते हैं ओखला, ठीक है, इसमें नेट्स स्पीड टेस्ट किया जाता है, इसमें इंडिया का रैंक 115 है, तो मतलब नेट स्पीड जो है कम ही है। देखिए कल एक सवाल पूछा गया कि कौन सी ऐसी रिवर है जो नेपाल से ओरिजिनेट होती है और गंगा में जाके मिलती है, तो आंसर सुदीप्ता कुमार का बिल्कुल सही है, कोसी। आज का सवाल, इसमें से कौन सी ब्रांच है जियोलॉजी की जो कि एम्फीबियंस की स्टडी से संबंधित, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, PDF लेना ज़रूरी होता है, उससे आप रिवाइज कर सकते हैं, और इस टेलीग्राम पे ही PDF आएगा इस वीडियो का। अमन सर वाइफ पे स्टडी सर्च करिए, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड होंगे उसमें जुड़ जाइएगा और PDF लीजिएगा, बाकी कंटेंट भी रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। 26 तारीख को आपका स्कॉलरशिप है, उसका टेस्ट का अटेम्प्ट करिएगा, टेस्टथोन दीजिए SSC रेलवे के। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप अनअकैडमी में बैच ज्वाइन करें, अनअकैडमी बैच ज्वाइन करने का बहुत बेनिफिट है, सब्सक्रिप्शन एक साथ मिल जाता है, सारे टीचर्स मिल जाते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, सारी PDFs मिलेंगी। इसमें एक बेनिफिट और है कि जब बच्चे जुड़ते हैं तो लाइव अमन कोड को यूज़ करते हैं, जिससे आपको हर एक एग्ज़ाम में डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे से पहले एक बारी कोड लगा देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे, प्राइस जो है कम होंगे, तो इसे यूटिलाइज करिएगा लाइव अमन कोड को। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।